का कोई फायदा होगा? सबका नहीं किया ना, हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ को नहीं नोटिफाई, 11 को पहले किया, 35 को फिर किया, 35 को आज किया, फिर भी बचते हैं ना, तो हम आए हैं उनसे तसल्ली कर लें। जिनसे उनको पूछना है कि उन्होंने अपनी सवाबदीद पर अपनी मंशा के मुताबिक इस्तीफा दिया या दबाव के तहत दिया है, स्पीकर साहब तसल्ली कर लें, हम तसल्ली के लिए आए ना। और उनका मौक़िफ़ भी यही था कि वो आए एक एक करके आए, हम एक एक करके उनको भेजते हैं, स्पीकर साहब एक एक करके अपने चेंबर में उनको मिलते जाएँ, तसल्ली करते जाएँ। तो अगर स्पीकर साहब अब मुलाकात नहीं करते, जैसा कि नज़र आ रहा है कि स्पीकर साहब नहीं है और आपकी आमद हुई है, तो किस तरह देखते हैं स्पीकर साहब? अपने मौक़िफ़ से बदलते रहते हैं, उन्हें नया मौके वक्त आया है और बदकिस्मती से उन्होंने इस ऑफिस की आज जो है ना उसके तकद्दस को पामाल किया है। जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस का जो उनका रोल था, आज उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आज उनका बिहेवियर पार्टिजन है, वो आलाकार बने हुए हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं और वो शौक से तैयार हैं।